आज हम लोग बात करने वाले हैं लिटरेचर एम की ये चैप्टर है The CBSC, तो अंत तक देखते रहिएगा एंड पेमिलर क्वेश्चन बोर एग्जाम्स लेट स्टार्ट विथ एम सी क्यूज बेस्ड ऑन एक्स्ट्रैक्ट यानी छोटे सा हिस्सा चैप्टर का क्वेश्चन नंबर ए सैज द मैन मोन्न विद पेन इन हिस्ट्री ऊपर बट ही डिड नॉट अवेकिन द बेस्ट थिंग दैट वी कड डू would be to put him back in the sea, Sadao said, answering himself. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. Yes, undoubtedly, that would be best, Hana said steadily. But she continued to stare down at the motionless man. If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turn him over as a prisoner, he would certainly die, Sadao said.

ऑप्शन ए बी सी और डी में उनमें से कौन सा स्ट्यूपर के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता है पहला क्वेश्चन है शी हंग अप द फोन फीलिंग एज दो शी दोड वोकन अप फ्रॉम अ स्लम्बर ऑप्शन बी सेज द मैनेजर कंप्लेन अबाउट द इम्प्लॉज स्लगिशनेस ऑप्शन सी ही सीम टू बी इन अ ट्रैम्स वेन द डॉक्टर कॉल्ड अपॉन हिम लास्ट वीक ऑप्शन डी सी ही सींग हिम इन अ डेज द लॉयर डिसाइडेड नॉट टू प्लेस हिम इन द विटनेस बॉक्स इस क्वेश्चन में हमें यह ध्यान रखना है कि स्ट्यूपर का मतलब क्या है स्ट्यूपर का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन में होना जहाँ पे आप ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हों स्टंड हों या फिर किसी भी तरह से रिएक्ट ना करने सिचुएशन को तो ऐसी सिमिलर सिचुएशन हो सकती हैं स्लम्बर ट्रांस डेज लेकिन स्लगिशनेस नहीं स्लगिशनेस में अनकॉन्शियसनेस नहीं होती वहाँ पे आप जानते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा लेजी हैं विच इज़ वाई द करेक्ट ऑप्शन इज बी दी मैनेजर कंप्लेट अबाउट एम्प्लॉयज स्लगिशनेस यानी उनकी लेजीनेस द नेक्स्ट क्वेश्चन पिक दी ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स सदाओ एंड हाना इन द पैसेज इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि सदाओ और हाना के कैरेक्टर किस तरह के हैं यहाँ पे हम लोग को टेक्स्ट पढ़ते हुए काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि सदाओ और हाना के कैरेक्टर्स अलग अलग सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें चार ऑप्शन को देखना है सदाओ स्क्रिपलेस हाना वैरी या फिर ऑप्शन बी सदाओ डेयरिंग एंड हाना बींग प्रूडेंट या फिर ऑप्शन सी सदाओ बींग प्रूडेंट एंड हाना बीइंग सस्पिशियस या फिर ऑप्शन डी सदाओ बींग वैरी एंड हाना बींग डेयरिंग द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी यहाँ पे हमें समझ में आता है कि सदाओ काफ़ी ज़्यादा प्रूडेंट है वो ध्यान रखते हैं चीज़ों का पहले से देख के फोर्थ साइड के साथ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हाना काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हैं वो शक कर रही हैं अलग अलग चीजों पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज पिक द दूम दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द सिचुएशन इन विच सदाओ एन हाना व इन यहां पे हमारे पास चार ऑप्शन हैं ऑप्शन ए टू बी लाइक अ फिश आर वाटर ऑप्शन बी लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक ऑप्शन सी टू बी डेड इन द वाटर और ऑप्शन डी टू बी इन हॉट वाटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑप्शन डी का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन में होना जहां पे आपके आसपास काफी ज्यादा डेंजर हो सकता है जिस कारण से सही एक्सप्रेशन है टू बी इन हॉट वाटर ऑप्शन डी कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो स्टेटमेंट वन सदाओ एंड हाना खेयर अबाउट द सोल्जर बट वरीड अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिंग कंसिडर स्टेटमेंट टू सिबिलिटीज ऑफ लुकिंग आफ्टर एन इंजर्ड सोल्जर यहाँ पे हम लोगों को दोनों स्टेटमेंट से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत या फिर दोनों सही हैं या दोनों गलत हमारे पास चार ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सेज स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स ऑप्शन बी सैज स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू ऑप्शन सी सैज Both statement one and statement two are true. And option D says both statement one and statement two are false. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट टू इज फॉल्स हम लोग पैसेज पढ़ के समझ सकते हैं कि सदा और हाना सोल्जर की चिंता कर रहे थे लेकिन उन्हें डर लग रहा था कि अगर वो सोल्जर का ध्यान रखेंगे तो आगे क्या होगा जबकि स्टेटमेंट टू उतना सेट नहीं बैठता है सदाओ और हाना कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जिम्मेदारियां एज अ डॉक्टर श्रग ऑफ नहीं करना चाहते थे कभी उसे छोड़ना नहीं चाहते थे ना वी कम टू नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बी इट स्टार्ट विथ आई वक्लेंसी सदाओ मोहम्मद इट वर्टनली वेरी केयरलेस ऑफ मी द जनरल सेड But you understand it was not lack of patriotism or dereliction of duty." He looked anxiously at his doctor. "If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you?" "Certainly, Your Excellency," Sadao said. He suddenly comprehended that general was in the palm of his hand, and that as a consequence he himself was perfectly safe. "I swear to your loyalty, Excellency," he said to the old general. And to your zeal against the enemy. Now, we have to pick the best option that describes the word dereliction as used in the passage. We have six words evasion, deterioration, negligence, carelessness, dilapidation, or management. Here, yeah, option A says second, third, and fourth, uh, second, third, and sixth options make sense. They are in Congress with dereliction. ऑप्शन बी सेज फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ आर द सेम ऑप्शन सी सेज सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ मेक सेंस एंड ऑप्शन डी सेज फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर मोस्ट कॉन्ग्रेंट विद डेरे अगेन हमें यह देखना है कि इन छह वर्ड्स में से कौन कौन से वर्ड्स डेरेलेक्शन से मैच करते हैं उनकी मीनिंग डेरेलेक्शन से मैच करती है इस क्वेश्चन का आंसर है डी इसका मतलब है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ यानी इवेजन, नेग्लिजेंस और फोर्थ केयरलेसनेस ये तीन वर्ड्स डेरेलेक्शन से मैच करते हैं जिस कारण से ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द एंड ऑफ़ द कन्वर्सेशन विद जनरल सदाओ फेल्ट ए रिज्यूवेनेटेड एंड गिल्ड फ्री बी कंसीटेड एंड इकोटिस्टिक ऑप्शन सी रिफ्रेश एंड सेल्फ कॉन्शियस या फिर ऑप्शन डी रिलीव्ड एंड गिल्ड फ्री यहां पर हमें देखना है कि सदाओ जनरल को सर्व करने के बाद जनरल से बात करने के बाद किस तरह से फील कर रहे थे एक्सट्रैक्ट में ही हमें काफी सारे हिंट्स दिए हुए हैं द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रिलीव्ड एंड गिल्ट फ्री अगर आप एक्सट्रैक्ट पे ध्यान दें तो सेकेंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है एंड दैट एज अ कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ जिस कारण से सदाओ काफी ज्यादा रिलीव था or because he helped the american soldier which means he also fulfilled his duty can't say he was also very guilt free moving on to the third question read the analysis of general based on the given extract choose the option that fills in the given blanks most appropriately the general dash power but is dash of obligations of his job he is so dash with his health, that he forgets to send the assassins to kill the prisoner. Due to this, Dash interests, he doesn't want to expose Sadao and agrees to keep the prisoner's escape a secret. Here we options to choose. Option A First fantasizes, Second lonely, Third consumed, Fourth wasted. Here yeah, option B First relishes, Second weary, Third self absorbed. Fourth selfish. You have option C fancies. Second apathetic. Third negligent. Fourth worthless. You have option D first desires. Second concerned. Third indisposed. Fourth narrow. this question kasa answer hai. option B first relishes. The general relishes power, but is second weary of the obligations of his job. He is so, third, self absorbed with his health, that he forgets to send assassins to kill the prisoner. Due to his fourth selfish interests, he doesn't want to expose he doesn't want to expose Sadao and agrees to keep the prisoner's escape a secret. As the questions may dek naparta hai ki options may words Kya u question may fit Pat Rahin hai इन दिस केस ऑप्शन बी के सारे के सारे वर्ड्स हमारे क्वेश्चन में फिट बैठ रहे थे जिस कारण से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर और अब हम आ चुके हैं आखिरी क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ से पिक द ऑप्शन दैट बेस्ट मैचेस द ईडियम्स विद हैंड विद मीनिंग्स यहाँ पे हमें चार ईडियम्स दिए हुए हैं जिनमें हैंड वर्ड का यूज किया गया है हमें उन्हें उनकी मीनिंग्स के साथ मैच करना है यहाँ पे अलग अलग मैचेस अलग अलग ऑप्शंस में दिए हुए हैं फर्स्ट ए सेकेंड डी थर्ड सी फोर्थ बी या फिर ऑप्शन बी फर्स्ट बी सेकेंड सी थर्ड डी फोर्थ ए ऑप्शन सी फर्स्ट डी सेकेंड ए थर्ड बी और फोर्थ सी और ऑप्शन डी फर्स्ट सी सेकेंड ए थर्ड डी फोर्थ बी यहाँ पे हम लोगों को सारे ऑप्शन को मैच कर करके देखना है कि कौन से ऑप्शन सबसे ज़्यादा सेंस बना रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन सी में हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट हैंड इन ग्लव मीन टू और मोर पीपल हु आर इन कल्यूजन यानी आपस में साठ का बनाना इन गुड हैंड्स जिसका है मीनिंग है ए इन द केयर ऑफ समबडी गुड एंड नॉलेज इसके बाद थर्ड ऑप्शन है टिप वंस हैंड जिसकी मीनिंग है टू रिवील अ सीक्रेट अबाउट वंस प्लान्स और आखिरी है हमारे पास बाइट द हैंड दैट फीड्स यू ंग है डू हार्म टू समन बिन का और इसी के साथ हमारे एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड एमसी खत्म होते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टैंड एमसी की तरफ क्वेश्चन नंबर लिफ्टिंग स्कार्स डू नॉट इंडिकेट ए टॉर्चर परपेट्रेटेड ऑन प्रिजनेस बी सुपीरियोरिटी ऑफ जपैन ओवर अमेरिका सी द क्वेस्ट फॉर सुप्रेमेसी इन वो और डी द रूमर्स ऑफ टॉर्चर ऑफ एनर्ट यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि इनमें से क्या चीज है जो ये स्कॉर्स रिप्रेजेंट या फिर इंडिकेट नहीं करते हैं स्कार्स ये हमारे अमेरिकन सोल्जर के ऊपर है जिस कारण से वो टॉर्चर का एक नतीजा तो हो ही सकते हैं तो ऑप्शन ए इज कंप्लीटली आउट ऑप्शन सीज द क्वेस्ट फॉर सुप्रेमेसी इन वो ऑफकोर्स क्योंकि वॉर में एक पार्टी दूसरी पार्टी को हराना चाहती है यहाँ पे जापान अमेरिका को हराना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वो बेहतर हैं अमेरिकन से उन्होंने स्कार्स इन्फ्लिक्ट किए अमेरिकन के ऊपर जिस कारण से सी भी आउट है क्योंकि वो इंडिकेट हो रहा है ऑप्शन डी सेज द रूमर्स ऑफ टॉर्चर्स ऑफ हर्ड यानी कि जो अफवाहें फैलती हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स को किस तरह से टॉर्चर किया जाता है ये भी उन स्कार्स से इंडिकेट हो रहा है जिस कारण से हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन बी सुपीरियोरिटी ऑफ जापान ओवर अमेरिका क्योंकि स्कार्स या फिर डैमेज या फिर किसी को हराना यह इंडिकेट नहीं करता कि आप उससे बेहतर हैं इस कारण से ऑप्शन बी इंडिकेट नहीं हो रहा है और ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टू सेज पिक द कोर दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ द स्टोरी ऑप्शन ए The world belongs to humanity, not this leader. That leader or that king or prince or religious leader. World belongs to humanity. B. You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirt. Y for option c The purpose of human life is to serve and to show compassion and the will to help others. You have for option D. To deny people their human rights. इस टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी। यहाँ पे इन चार कोर्ट्स को पढ़ के हमें ये बताना है कि पूरी स्टोरी की थीम इनमें से किससे सबसे ज़्यादा अच्छे से मैच करती है आप ये देख सकते हैं कि चारों ऑप्शंस में हमें थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस तो मिल ही रहा है हर जगह ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटी के बारे में बात की हुई है लेकिन हमें उस ऑप्शन को चूज़ करना है जो सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है इस केस में क्योंकि डॉक्टर सदाव ने अपनी लाइफ खतरे में डाली अमेरिकन सोल्जर को सर्व करने के लिए और ये दिखाया कि भले ही वो उनका एनिमी है वो जाके उसकी मदद कर सकते हैं वो उसके साथ सद्भाव रख सकते हैं उसके साथ कंपैशनेट हो सकते हैं जिस कारण से ऑप्शन सी द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू सर्व एंड टू शो कंपैशन एंड द विल टू हेल्प अदर्स इज द करेक्ट ऑप्शन मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन वाई डिड हाना फील्स Despite having studied in America, this was so because option A, being Japanese, it wasn't appropriate to stay on with a stranger. For option B, America and Japan were not allies in the ongoing world war. Yeah, for option C, he was someone she'd recognized from her past in America. Yep, yeah, for option D, her husband had cautioned her against the American. यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं कि हाना नहीं चाहती थी उस अमेरिकन के साथ सेम रूम में रहना ऐसा हाना को क्यों लगता है जबकि वो खुद भी अमेरिका में पढ़ चुकी है इन चार ऑप्शंस में से जो सबसे ज़्यादा कॉन्ग्रेंट होगा यहाँ पे आपको अपनी मेमोरी अप्लाई करनी पड़ेगी उस चैप्टर की और देखना पड़ेगा कि जो भी ऑप्शन सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है वही सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए सेज बींग जापनीज इट वॉज एंट अप्रोप्रिएट टू स्टे ऑन विथ स्ट्रेंजर ऐसा हमें स्टोरी में कहीं भी नहीं बताया गया है भले ही आपको जापानीज कल्चर के बारे में पता ही क्यों ना हो क्योंकि ये स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं दिया है तो आप ऐसा नहीं कह सकते ऑप्शन सी सेज ही वाज समवन फ्रॉम हर हमें स्टोरी में ऐसा भी कोई इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है जिस कारण से ऑप्शन सी भी गलत है डी हर हर हस्बैंड हैड अगेंस्ट द अमेरिकन अगेन ऐसा हमें कोई इंडिकेशन स्टोरी में नहीं मिला जिस कारण से अमेरिका एंड जापान व नॉट एलाइज इन दिन गोइंग वॉर विच इज द ओनली थिंग दैट स्ट्रेज ट्रू टू द स्टोरी जो कि स्टोरी में हमें बताई गई है जो एक पॉसिबल रीजन हो सकता है हाना का दूर रहने का जिस कारण से सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका एंड जापान व नॉट एलाइज इन दोइंग वर्ल्ड वॉर एंड विदाउट वी रीच द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड दी क्यूज आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं अगर आपने ध्यान दिया है तो यू विल डू ग्रेट इन योर एग्जाम्स Do not forget to follow us on Instagram and join our channel on Telegram to, to stay up to date with the upcoming content on Grand Acad. Till then, keep winning, you champions.